हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं अनु हूँ, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनु क्रिएटेड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ थायराइड से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में पीछे बताया था कि मुझे थायराइड है 7-8 साल से, मतलब 6-7 साल हो गए मुझे थायराइड की प्रॉब्लम से जूझते हुए। तो थायराइड क्या है? थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो किसी इंसान को एक बार लग जाती है तो वो ज़िंदगी भर नहीं जाती है। और मेरी मम्मी की डायरेक्ट थायराइड की वजह से ही हुई थी। थायराइड थी उनको, तो उनकी थायराइड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ पाई थी उस टाइम पर। और उन्हें पता नहीं था इस चीज़ का कि थायराइड है, कि मतलब मुझे थायराइड है भी। तो थायराइड क्या होता है? थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है मोटा करने वाला और एक होता है पतला करने वाला। तो मुझे थायराइड जो है वो मोटा करने वाला है, जिससे कि मतलब मोटापा बढ़ता है। और मेरी सिस्टर को भी थायराइड है, तो उसको थायराइड है मतलब थोड़ा पतला होने करने वाला, जो कि मतलब सूखते रहते हैं ना, होने वाला थायराइड है। दो तरह के थायराइड होते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि थायराइड होता कैसे है, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं थायराइड होने के भी, तो मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। तो थायराइड होने का जो सिम्टम था मेरा, कि मेरा बीपी लो रहने लगा था। सच में बताती हूँ, मैं बीपी लो रहने लगा था। मैं मतलब शरीर ना मेरा ऐसा लगता था गिरी गिरी सी रहती थी हमेशा। तो हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब लेट ही रहूँ, कुछ काम ना करूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। और हमेशा ऐसा लगता था बस आंखें बंद करके लेट ही रहूँ। और पास में एक डॉक्टर थे, उनको दिखाती थी तो वो कहते थे कि आपका बीपी लो है, बीपी लो है। और वो कुछ दवाइयाँ देती थी, वो दवाइयाँ मैं लेती थी और ठीक हो जाती थी। 2-4 दिन के बाद फिर वही चली जाती थी, वही दवाइयाँ ले आती थी, फिर ठीक हो जाती थी। ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो धीरे धीरे एक दिन मैंने वेट अपना नोटिस किया, मेरा वेट एकदम से बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा। मेरा वेट ही लगा लिए 70-75 kg के आसपास पहुँच गया था। और मैंने जब अपना वेट देखा तो मुझे, मैं चौंक गई एकदम से। तो मैंने सोचा कि मैं ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ कि मुझे हुआ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई आपको, थायराइड में हमेशा बीपी लो रहता है ज़्यादातर। जो मेरे साथ सिचुएशन थी, बीपी लो रहता है मेरा, रहा था मेरा उस टाइम पे जब मेरा थायराइड होना मुझे स्टार्ट हुआ था सिम्टम्स। और उसके बाद वेट बढ़ना एकदम से स्टार्ट हो गया था सेकेंड। और थर्ड नंबर पर जो बात आई थी थायराइड होता कैसे है, तो थायराइड जो होता है वो होता है टेंशन से, डिप्रेशन से। आपको अगर मन में कोई ऐसी बात है, डिप्रेशन में है, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको मन में ये रहता है कि डिप्रेशन में हो आप, तो आपको थायराइड है, मतलब थायराइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने, डॉक्टर ने ना मुझे लिखा था कि आप थायराइड का टेस्ट कराओ। मैंने थायराइड का टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड जो आया था ना 90 point कुछ आया था। आप समझ सकते हैं 90 point कुछ। तो जो थायराइड होता है ना 0.5 नॉर्मल माना जाता है। 0.5 अगर आपका है थायराइड तो आपका नॉर्मल है, और अगर 0.5 से अगर ज़्यादा है तो आपको इसका मतलब थायराइड आपका बढ़ा हुआ है। तो मेरा 19 था 19। आप समझ सकते हो कहाँ 0.5 होना चाहिए था और कहाँ 19 था मेरा थायराइड उस टाइम पर। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया मेडिसिन, तो मैंने मेडिसिन खानी स्टार्ट की। तो जो उन्होंने मुझे लिखी थी उस टाइम पे 75 mg की टैबलेट लिखी थी, एक थायराइड सुबह मॉर्निंग में लेनी होती है वो, तो वो लिखी थी। और मैंने वो मेडिसिन रेगुलर खानी स्टार्ट की। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद जब मैंने अपना टेस्ट कराया था तो मेरा नॉर्मल आ गया था थायराइड, फिर 0.5 हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, तो आप अभी यही मेडिसिन लेती रहिए लगातार, अब आपको ये रेगुलर लेनी है, मतलब मॉर्निंग में एक टैबलेट सुबह लेनी है खाली पे। तो मैंने ना 2 या 3 साल लगातार वही टैबलेट्स खानी स्टार्ट की। तो 2-3 साल के बाद मैं देखती हूँ कि मेरा वेट फिर से बढ़ने लगा है, फिर से मतलब कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और सांस फूलने लगती है एकदम से ना, सांस फूलने लगती है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था मेरा। फिर से वही सिम्टम्स होने लगे थे मुझे, कि जैसा थायराइड बढ़ रहा हो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपने डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो मैं थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेडिसिन कब से ले रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि
सर मुझे मेडिसिन लेते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और मैं रेगुलर यही टैबलेट यूज कर रही हूँ 75 mg की, और एक ही कंपनी की यूज कर रही हूँ, एक ही कंपनी की टैबलेट्स ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि टैबलेट्स ना हमेशा एक कंपनी की कभी भी नहीं खानी चाहिए, रेगुलर एक साल के अंदर चेंज करा लेनी चाहिए टैबलेट्स। तो मैंने उनको पूछा क्यों, कह रहे कि उन्होंने मुझे बताया कि टैबलेट्स ना हम चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक जैसी टैबलेट्स अगर हम खाते हैं तो वो काम करना बंद कर देती है, मेडिसिंस अपना काम करना बंद कर देती है। और थायराइड में ना एक काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, जो कि मैं हमेशा गलती करती थी मेडिसिंस लेते वक्त। उन्होंने मुझे बताया कि मेडिसिंस लेते, मैं पहले क्या करती थी ना, मेडिसिंस जैसे ली और उसके 10 या 5 मिनट बाद ही ना चाय पीने के लिए बैठ जाती थी, मॉर्निंग की टी जैसे कि पीते हैं हम लोग रेगुलर, वैसे ले लेती थी कि अभी चाय पीने बैठ गई, बस टैबलेट लिया और फिर चाय लेने लगी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब भी आप मेडिसिंस लेते हो थायराइड की, तो उसके साथ में ना तो कोई और टैबलेट्स आपको लेनी है, जैसे कि कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या फिर गैस की प्रॉब्लम है या कोई और टैबलेट्स है जो कि उन्हें लेनी होती है मॉर्निंग में, वो थायराइड की टैबलेट के साथ में कभी ना लें, ये भूल कभी ना करें। और जो दूसरी बात उन्होंने मुझे बोली, वो उन्होंने बताई कि आप थायराइड की टैबलेट्स जब भी लें उसके आधा या पौने घंटे तक कुछ नहीं लेना है आपको, खाने में कुछ भी नहीं खाना है, ना चाय लेनी है, ना दूध लेना है, या और कोई मेडिसिन लेनी है, कुछ नहीं लेना है आपको, आधा या पौन घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। तो मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है पिछले 6 या 7 साल से, तो आप लोग भी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो। और दूसरा उन्होंने बताया कि थायराइड की जो टैबलेट्स होती हैं वो, जैसे मैं 75 mg की रेगुलर ले रही थी, क्योंकि वो थायराइड के अकॉर्डिंग ली जाती हैं, जैसे कि अगर किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा है तो वो 100 mg की लेता है, और अगर किसी का नॉर्मल हो चुका है तो वो 25 mg की भी ले सकता है और 50 mg की भी ले सकता है। तो उन्होंने मुझे कुछ ये चीज़ें बताई, मैंने फिर अपनी थायराइड की टैबलेट चेंज की थी। तो फिर मैं और एक बात आपको बता देती हूँ, मैं थायराइड जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वैसे तो थायराइड अगर आपको प्रॉब्लम है तो थायराइड में कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसके टाइम अगर आप प्रेग्नेंट हैं और उस टाइम पर आप थायराइड के पेशेंट हैं, तो आपकी टैबलेट की डोज डबल कर दी जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ था मेरे बेटे के टाइम पर। मुझे मेरे डॉक्टर ने मेरी थायराइड की जो मेडिसिन थी, मेरा थायराइड वैसे नॉर्मल था लेकिन मेरी जो मेडिसिन की डोज थी डबल कर दी थी उन्होंने, मुझे 100 mg की टैबलेट्स कर दी थी मेरे डॉक्टर ने। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, आप अपना थायराइड का टेस्ट रेगुलर कराते रहें, इग्नोर ना करें आप, मतलब 6 महीने में अपना थायराइड का टेस्ट रेगुलर जरूर कराएं, क्योंकि थायराइड का टेस्ट जब तक आप नहीं कराते हो आपको नहीं पता चलता कि आपका थायराइड नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। वैसे अपने आप को खुद को पहचान हो जाती है कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है, लेकिन फिर भी आपको हर 6 महीने बाद अपना थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी मेन बात थी कि जानना हमारे लिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब उन्होंने मुझे बताया थायराइड दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा बढ़ता है, सबसे मेन जो होता है वो बढ़ता है मीठे से, आप जितना हो सके मीठा अवॉइड कीजिए, चीनी अवॉइड कीजिए। जैसे रात में आप दूध पीते हो तो दूध फीका लीजिए, चीनी डालकर कभी ना ले दूध, क्योंकि चीनी और दूध को मिलाकर ना एकदम से बहुत ज़्यादा वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए मैं दूध हमेशा फीका लेती हूँ, रात का जब भी दूध लेती हूँ फीका लेती हूँ। अगर मुझे लेना होता है तो उसके साथ मैं गुड़ ले लेती हूँ या फिर शक्कर ले लेती हूँ थोड़ा सा, या फिर चीनी के 2 या 4 दाने हाथ में ले लेती हूँ ऐसे ही टेस्ट के लिए, केवल मैं दूध फीका लेती हूँ हमेशा। और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रेड अवॉइड कीजिए, ब्रेड नहीं खानी चाहिए। तो ब्रेड जो मैं खाती हूँ, ब्रेड एक ब्रेड लेती हूँ केवल, मैं ब्रेड नहीं लेती हूँ चाय के साथ ही या उसके साथ, ब्रेड ओनली वन लेती हूँ। और तीसरा उन्होंने बताया था मुझे कि आप जो जंक फूड होता है ना उसको अवॉइड कीजिए, तो जंक फूड जो भी है उसको अवॉइड करिए। तो मैं वो भी नहीं खाती हूँ, अगर मैं कुछ बनाती भी हूँ ना बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए ही बनाती हूँ, अपने लिए अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ जंक फूड। फिर उन्होंने बताया मुझे कि कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो कॉफ़ी अवॉइड करिए, कॉफ़ी नहीं खानी चाहिए, लेनी चाहिए। मुझे कॉफ़ी पसंद है, पहले मैं लेती थी कॉफ़ी, हो सकता है शायद ये भी रीज़न रहा हो कि मेरा थायराइड एकदम से बढ़ जाता था,
तो फिर मैंने बीच में ना कॉफ़ी बिल्कुल ही बंद कर दिया, जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कैफ़ीन होता है। तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ, कभी महीने में 1 या 2 बार ले ली, वो भी सिर्फ शौक के लिए लेती हूँ, मतलब टेस्ट के लिए। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ब्रोकली होती है, ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, और मूंगफली होती है ना, मूंगफली भी वेट को बढ़ाती है। जैसे मूंगफली वाली नमकीन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, जिसमें मूंगफली की गिरियाँ आती है ना, वो मसाले वाली होती हैं, और बिना मसाले वाली पीनट्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जब से डॉक्टर बताया ना कि वो थायराइड को बढ़ाते हैं, तो मैं उन्हें अवॉइड करती हूँ। सोयाबीन बहुत ज़्यादा थायराइड में नुकसान देता है, तो इसलिए सोयाबीन कभी ना लें थायराइड की, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मैंने सोयाबीन भी नहीं लेती हूँ मैं बिल्कुल भी, और तला भुना तो मैं बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ। जैसे परांठे, उन्होंने बोला कि परांठे कम से कम लो, तो मैं परांठे अवॉइड करती हूँ, रोटियाँ ज़्यादा लेती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हम लोग मतलब अवॉइड करनी पड़ती हैं थायराइड की वजह से, तो मैं सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, और क्या खाना चाहिए सबसे ज़्यादा मेन आती है चीज़ ये कि क्या खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड खाना चाहिए। और दूसरी बात, आप अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। और इससे अलग, आप जो मेडिसिन्स ले रहे हैं ना थायराइड की, उसके साथ में कैल्शियम की टैबलेट जरूर ली जाती है। कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, वो ली जाती हैं रेगुलर, मतलब उन्हें ना ऐसा होता है कि 2 या 3 महीने लीजिए और फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। वो डेली 2 या 3 महीने तक ली जाती है कैल्शियम की टैबलेट्स, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। और एक विटामिन डी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की टैबलेट्स मुझे डॉक्टर ने लिखी थी, उसको वीक में 1 बार लेना होता था विटामिन डी की टैबलेट्स को, तो वो भी महीने में मतलब 4 टैबलेट्स होती थी महीने की, तो वो भी लेनी होती। तो वो भी ऐसे ही है, कैल्शियम और जो विटामिन डी की टैबलेट्स होती है ना, उनको मतलब 3 महीने तक रेगुलर लीजिए, उसके बाद 2 या 3 महीने के लिए फिर बंद कर दीजिए, 2 या 3 महीने के बाद फिर से लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। वो इस तरह से कंटिन्यू चलती हैं, क्योंकि उन्हें रेगुलर नहीं ले सकते आप। तो बस आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जितना भी हो सके हेल्दी रखिए अपने ड्राई फ्रूट को, मतलब जो भी आप खा रहे हो, पी खान पान है आपका, उसमें हेल्दी चीज़ें करिए, और सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए अगर आपसे हो सकता है तो। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज थायराइड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी है। मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वॉक के लिए भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बेबी को संभालने वाला कोई नहीं मेरे घर पर, मैं अकेली ही हूँ, तो मतलब मुझे ही संभालना पड़ता है उसे, बच्चे को। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाती हूँ, और एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं निकाल पाती हूँ मैं टाइम बिल्कुल भी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि बेबी मेरा छोटा है, और दूसरी बात घर में कोई और है नहीं बच्चे को पकड़ने वाला मेरे पास। तो और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा था ना, तो बच्चे घर में ही है, तो बिल्कुल भी रूटीन नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब मेरा बेबी नहीं था ना, तो उससे पहले मैं डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के वॉक के लिए जाया करती थी, और एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कर लिया करती थी। मॉर्निंग वॉक होती थी तो बहुत अच्छा लगता था, फ्रेश फ्रेश सा फील होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से बेबी हुआ है, तब से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि सिजेरियन हुआ था मेरे, तो सिजेरियन में आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरे 2 सिजेरियन हो चुके हैं। तो इसी वजह से, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।